सबसे पहले बच्चों आपसे वो पूछ सकता है, राइट डाउन डिटेल ऑफ फोर प्रोफेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, राइट एनी फोर प्रोफेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन वो इस तरह से भी पूछ सकता है, राइट प्रोफेशंस कैन बी अडॉप्ट आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडीज, एक्सप्लेन एनी फाइव। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार बायो में उनका इंटरेस्ट होता नहीं है, पूरी फैमिली में ना उनका दूर दूर तक भी कोई डॉक्टर नहीं होता और उन्होंने बायो लिखी होती है कि हमने डॉक्टर बनना है, और टिकटॉक से वो जान चुरा नहीं रहे होते, मोबाइल की वो जान छोड़ नहीं रहे होते, इन्होंने डॉक्टर बनना है, अल्लाह खैर करे। किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोस्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिनिया, किंगडम एलिमिनिया, ये जो नीचे आपके पास डायग्राम बनी हुई है ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में ना कहना कि आपको पूरे नंबर मिले नहीं, आपको पूरे नंबर उस सूरत में मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम सुनस खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो है आपके पास 9th बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम एग्जाम 2024 SLO बेस आपके पास पेपर होंगे एग्जाम 2024 की सेंस में। सबसे पहले SLO बेस का मतलब क्या है कि बच्चों आपके पास जो पेपर आएंगे ना एग्जाम 2024 में, वो आएंगे आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप, और न्यू पॉलिसी जो आई है आपके पास न्यू ग्रेडिंग सिस्टम, अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता हूं कि ये क्या बला है। सबसे पहले आपके पास 60 मार्क्स का ना टोटल पेपर होगा, 60 में से पहले होता था कि 33 वाला पास है, यानी कि 60 में से जिसके पास 19 मार्क्स भी आए ना बच्चों वो पास है। लेकिन इस दफा न्यू ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चों आपके पास जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है वहां में आपके पास पॉलिसी क्या है कि आपके पास पासिंग क्राइटेरिया जो है ना वो 40% है, और 40% कितने मार्क्स बनते हैं 60 के, वो बनते हैं बच्चों आपके पास 60 में से जिस स्टूडेंट के 24 मार्क्स होंगे ना वो बच्चा पास होगा। बायोलॉजी में बच्चों आपके पास टोटल 9 चैप्टर हैं। अब 9 चैप्टर में 12 मार्क्स के बच्चों आपके पास क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से कितने कितने आएंगे सबसे पहले वो देखें। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में बच्चों आपके पास 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बच्चों आपके पास 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बच्चों आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज में आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 5 है सेल साइकिल में बच्चों आपके पास जस्ट 1 एमसीक्यू आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स आपके पास चैप्टर नंबर 6 है, यहां से भी बच्चों जस्ट 1 एमसीक्यू आएगा। बायो एनर्जेटिक्स में भी बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 7 है और 1 एमसीक्यू आएगा। इतना लेंथी चैप्टर है ये और 1 एमसीक्यू आना है। चैप्टर नंबर 8 में बच्चों आपके पास जस्ट 2 एमसीक्यू आएंगे। न्यूट्रिशन आपके पास चैप्टर का नाम है, और लास्ट में बच्चों आपके पास ट्रांसपोर्ट में से भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में भी बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का पेयर बनेगा, जिसमें से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में से पहले वाले चैप्टर में से बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, एंड द लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज में से बच्चों आपके पास 3 एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 पेयर किस किस चैप्टर का बनेगा वो देखें। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 में से बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल में बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बायो एनर्जेटिक्स में बच्चों चैप्टर नंबर 7 है, वहां से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये अब किस किस चैप्टर का पेयर बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, यहां से बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में, यहां से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशंस में बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट में आपके पास ट्रांसपोर्ट में से बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 9 है, यहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर हम बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट ईयर जो बच्चों आपके पास पेयरिंग स्कीम थी ना बायोलॉजी की, वो थी आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 का पेयर बनता था, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का पेयर बनता था, और लास्ट में बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का पेयर बनता था। ये तो लास्ट ईयर की बात होगी, लेकिन इस दफा एग्जाम 2024 में आप लोगों ने मोहतात होना है कि पहले तो चैप्टर नंबर 9 की कोई इज्जत ही नहीं ना करता था, लेकिन अब उसने सस्पेंस क्या डाला एग्जामिनर ने पेयरिंग स्कीम
को इस तरह कंबाइन किया कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए और जो बी पार्ट है ना बच्चों वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 आए हाय 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 चैप्टर नंबर 9 के साथ। पहले चैप्टर नंबर 9 को कोई पूछते ही नहीं था, चैप्टर नंबर 9 की कोई इज्जत ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि चैप्टर नंबर 9 भी आपकी बुक में है। लेकिन अब सारों ने इस चैप्टर नंबर 9 के पीछे भागना है। अब आपके पास यहां से वीडियो लास्ट तक बच्चों आपने इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉ के साथ जो पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 9 का। ओके, 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है ये आपके सामने बुक मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी हो, आपके पास पेंसिल रबर शार्पनर जो भी है ना इस पे निशान लगाते हैं चैप्टर नंबर 1 के। सबसे पहले है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर है 1 पेज नंबर है 5, ठीक है। इसमें वेरी वेरी आपके पास सबसे पहला लॉन्ग पता है कौन सा है, वो है आपके पास करियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। करियर्स कौन-कौन से होते हैं बायोलॉजी में, अब यहां पे वो क्वेश्चन किस-किस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपका जो पेपर होना है ना यार वो SLO बेस है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल टाइप आपके पास पेपर आने हैं, ठीक है। प्रोफेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी जस्ट ये भी पूछ सकते हैं, यहां वो किस-किस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं वो देखें। सबसे पहले बच्चों आपसे वो पूछ सकता है राइट डाउन डिटेल ऑफ 4 प्रोफेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। इसका वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट एनी 4 प्रोफेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, यानी कि वो प्रोफेशंस के वर्ड को किसमें चेंज कर दिया उसने ऑक्यूपेशंस में। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन वो इस तरह से भी पूछ सकता है राइट प्रोफेशंस कैन बी अडॉप्ट आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडीज एक्सप्लेन एनी 5, कि आपके पास क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो तुम लोगों को आता है, लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन की नेचर चेंज करता है ना तो स्टूडेंट समझते हैं ये पता नहीं कोई और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट भी करना होता है ना उन्होंने वो भी खाली छोड़ आते हैं पेपर, जिसकी वजह से उनकी सप्ली आती है। पेज नंबर है बच्चों आपके पास 10, क्वेश्चन कौन सा है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पेज नंबर 9 ऑर्गन सिस्टम लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका आपसे वो किस तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है, वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है राइट अ नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, या वो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज ऑर्गन एक्सप्लेन ऑर्गन सिस्टम लेवल, या वो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल विद एग्जांपल्स। लास्ट में आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपके पास बच्चों पेज नंबर है आपके पास 7 द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन एनी 3 डिस्क्राइब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, आपने जस्ट जो उसने शॉर्ट में पूछा हुआ है ना आपने जस्ट बच्चों उसी का आंसर लिखना है, इसके अलावा आपने अपनी फारसी नहीं झाड़नी। जो बच्चों मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताया ना सिर्फ बच्चों अल्लाह का नाम लेकर आपने बस यही करना है, जो मैंने एग्जाम 2023 में स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर दिए थे इसका पहले आप प्रूफ देख लें कि हमारे गेस्ट पेपर में से आया क्या-क्या, हमारे गेस्ट पेपर में से क्या-क्या पेपर में आया, फाइन बायोग्राफी व्हाट इज बायोग्राफी, फाइन मैक्रो मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल विद एग्जांपल, हाउ हाइपोथेसिस इज मेड डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफाइन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड define taxa and taxonomy hierarchy, taxonomy apoptosis shade between stomach cells, differentiate between stomach photosynthesis, define photosynthesis, lactic acid fermentation, describe lactic acid fermentation, what is the main use of enzymes in paper industry, what is the role of enzyme in paper industry, cofactors coenzymes, define cofactors and coenzymes, mechanism of enzymes action, mechanism of enzyme action, what is goiter. Long question mein to kamal kar diya, jo hamare guest paper में था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, डिफाइन प्लास्टिड्स व्हाट आर प्लास्टिड्स, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में दिया था अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर आया है। हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम, ये देखिए हमने अपने गेस्ट पेपर में बताया था 5 किंगडम सिस्टम हमने गेस्ट पेपर में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहां पे आप देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 3 में बताया वही आया, जो चैप्टर 7 में बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से चैप्टर 4 में जो बताया वही आया अल्लाह के हुक्म से। अगर इस तरह के गेस्ट पेपर है ना किसी के पास तो लाजमी अपने एग्जाम्स के बाद ना
नाइन टेंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद लाजमी स्टूडेंट्स को बताया कि ये देखें हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या आ रहा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम 2023 में बच्चों हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे ना, आप उनके मार्क्स चेक करें, 517 है। इशाल महमूद का रोल नंबर चेक करें और टोटल नंबर 522 है। कुरुतुलैन फातिमा का आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिजल्ट कार्ड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूरे पूरे नंबर है 60 out of 60। रिजल्ट कार्ड भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादिया का बच्चों रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर 537 है। अगर बच्चों आपकी भी कोई तैयारी नहीं ना है एग्जाम 2024 में, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हमारे गेस्ट पेपर जिसमें आपको बच्चों एमसीक्यूज मिलेंगे हर चैप्टर के, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, सारा कुछ आपको मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों आपको गेस्ट पेपर मिलेंगे, आपने जाना है हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर आप ऑर्डर दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर बच्चों ऑर्डर दें। इंशाल्लाह ताला विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों गेस्ट पेपर आपको आपके घर पर करा कर जाएंगे। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके 9th के सब्जेक्ट हैं, इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 500+ मार्क्स इन एग्जाम 2024। इसके बाद बच्चों हम चैप्टर नंबर 9 है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, आपके पास चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 174 है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, आपके पास ये कहां पे है, पेज नंबर है बच्चों 175 पे आपके पास क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के, जस्ट आपने बच्चों फैक्टर्स अच्छे तरीके से करने हैं, टेंपरेचर है, एयर ह्यूमिडिटी है, एयर मूवमेंट है, लीव सरफेस एरिया है, ट्रांसफर ऑफ फूड इन प्लांट आपके पास बच्चों पेज नंबर है 183 पे, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो पत्ता बना हुआ है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो आपके पास लीव्स है, इसके जो रूट्स हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम के नंबर है बेसिकली, ये डायग्राम के नंबर है। आपको पता है कि बायोलॉजी में बच्चों अगर आपने 60 out of 60 मार्क्स गेन करने हैं ना, या 60 में से आप चाहते हैं कि मेरे 95+ मार्क्स हैं, तो डायग्राम विद थ्योरेटिकल है। खाली अगर आप थ्योरेटिकल करते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, अगर आप थ्योरेटिकल के साथ डायग्राम भी बनाते हैं तो बच्चों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखें बायोलॉजी में हमेशा उस बच्चों के 60 out of 60 मार्क्स आते हैं जो डायग्राम भी बनाकर आते हैं एग्जाम्स में। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार बायो में उनका इंटरेस्ट होता नहीं है, पूरी फैमिली में ना उनका दूर तक भी कोई डॉक्टर नहीं होता और उन्होंने बायो रखी होती है कि हमने डॉक्टर बनना है, और टिकटॉक से वो जान चुरा नहीं रहे होते, मोबाइल की वो जान छोड़ नहीं रहे होते, उन्होंने डॉक्टर बनना है, अल्लाह खैर करे। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम, पेज नंबर है बच्चों 192, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास ह्यूमन हार्ट और इसकी जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, पेज 193 पे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 का पेयर बन गया, इंपॉर्टेंट जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन थे बता दिए। अब बच्चों आपने कोशिश करनी है कि हमारे गेस्ट पेपर में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आप मंगवाने में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि 500+ मार्क्स आए तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी है हमारे गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और जो बी पार्ट आएगा ना बच्चों, एक 4 मार्क्स का आएगा और एक आपके पास आएगा 5 मार्क्स का। याद रखें चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 4 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 5 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 3 5 किंगडम सिस्टम। अब ये आपके पास कहां पे है, पेज नंबर बच्चों आपके पास 37 है, कौन सा किंगडम, मोनिरा किंगडम, प्रोस्टिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटिनिया किंगडम, एलिमिनिया। ये जो नीचे आपके पास डायग्राम बनी हुई है ना बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में ना कहना कि आपको पूरे नंबर मिले नहीं, आपको पूरे नंबर उस सूरत में मिलेंगे जब आप अपना पूरा पेपर करके आओगे विद डायग्राम। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 37 है, बायनोमियल नोमियल कल्चर के रूल्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 40 पे। ये 2 क्वेश्चंस बच्चों वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम सिस्टम एंड रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमियल कल्चर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमियल कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद एंडेजेंट स्पीशीज इन पाकिस्तान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है बच्चों आपके पास पेज नंबर 45 एंड पेज नंबर 46। चैप्टर नंबर 3 के बाद अगर हम बात करें तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 सबसे पहला आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, एटीपी सेल एनर्जी। ये देखें ये है बच्चों आपके पास पेज नंबर 119 पे, एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डायग्राम है वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में। इसके बाद है बच्चों आपके पास पेज नंबर 122 मेल्विन केल्विन साइकिल, और इसको हम ब्रैकेट में
लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है, आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ऊपर डायग्राम है ना बच्चों, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके पास एग्जाम 2024 में जो बच्चों पेपर आना है ना, वो लुक छुप के क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आने हैं। ये देखें मेल्विन केल्विन साइकिल अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, किसी को पता नहीं चलना कि ये कौन सा है, लेकिन अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें ना, डार्क रिएक्शन के आगे उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है केल्विन साइकिल, तो ये वो वाला है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, पेज नंबर 132 पे बच्चों आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसके नीचे सबसे नीचे देखे लास्ट में डायग्राम बच्चों आपको मिलेगी, डायग्राम करोगे तो बायो में पूरे नंबर आएंगे। ये आप यहां पे बच्चों कुरुतुलैन फातिमा को आप देख भी सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इनको हमने गैस पेपर में बताया था कि बच्चों जो जो हमने गैस पेपर में विद डायग्राम है ना वो आप करोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ये देखें बायोलॉजी में पूरे 60 out of 60 मार्क्स आए और टोटल नंबर भी 535 हैं। अगर बच्चों आप भी चाहते हैं कि 500 प्लस मार्क्स आपने गेन करने हैं, जितने ज्यादा आप 9th क्लास में मार्क्स गेन करोगे उतने ज्यादा अच्छे 10th क्लास में मार्क्स आएंगे, जितने ज्यादा 10th क्लास में मार्क्स आएंगे उतने ज्यादा बच्चों आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतनी अच्छी बच्चों आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, याद रखें। और जितनी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उतनी अच्छी जॉब होगी, और जितनी अच्छी जॉब होगी उतना अच्छा फ्यूचर होगा, ये याद रखें। बस आपने 9th क्लास में कोशिश ये करनी है कि यू विल गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। अगर आपका कोई भी तैयारी नहीं है, आप चाहते हैं कि यार कम वक्त में ज्यादा नंबर गेन करने हैं, तो हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हमारे गेस्ट पेपर को घर मंगवाने का जो तरीका है वो mathskidunia.com पर बच्चों आपने क्लास 9th को सिलेक्ट करना है, देन ऑर्डर देना है, या फिर अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी ऑर्डर दें और हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए और जो बी पार्ट आएगा ना, वो बच्चों आपके पास रिलैक्सेशन ये है कि आप चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को स्किप कर सकते हैं, इसकी बेस पे कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 अच्छे तरीके से करें, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 को अच्छे तरीके से करें। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं ना, तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन विद डायग्राम, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर है आपके पास 57 है। और नेक्स्ट जो आपके पास ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम बनाओगे तो 60 out of 60 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास प्लास्टिड्स एंड दियर फंक्शन, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 62, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, आपके पास लिकोप्लास्ट है, और ये जो डायग्राम आपके पास बनी हुई है ना, ये बच्चों मैंने डायग्राम अपने लिए नहीं बनाई हुई, ये बुक वालों ने आपके लिए बनाई हुई है, ना इस डायग्राम को मैंने घर लेकर जाना है, ये आपके लिए, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा बायो में नंबर। इसके बाद बच्चों आपके पास न्यूक्लियस है, पेज नंबर बच्चों आपके पास 60 है, इसमें आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप की आप हेडिंग बना सकते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट की आप हेडिंग बना सकते हैं, न्यूक्लियस की आप हेडिंग बना सकते हैं, क्रोमोसोम्स की आप हेडिंग बना सकते हैं, क्रोमेटिन की आप हेडिंग बना सकते हैं, और लास्ट में लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, ये डायग्राम आपके लिए है, आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में बनाकर आनी है। हाय 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 हाय, बस जानदी बार का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक्स एंड यूक्रियोटिक्स, ये आपके पास डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 66। चैप्टर नंबर 8 की बच्चों अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस में बात करें ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में, नोट्स ऑफ लिपिड्स है आपके पास, रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन बॉडी, इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशंस आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह बच्चों यहां पे हम पेयरिंग स्कीम को करते हैं कंप्लीट, बच्चों दिल लगाकर पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ें, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ें, और सबसे पहले जब तक बच्चों आपके एग्जाम्स नहीं होते इस बला से बच्चों आपने दूर रहना है, अपने पहले एग्जाम्स दें, 500 मार्क्स गेन करें, अपने पेरेंट्स को आप खुश करें, जितने ज्यादा बच्चों आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई मेहनत कर रहा है मोबाइल पे और कोई मेहनत कर रहा है टिकटॉक पे, कोई मेहनत कर रहा है व्हाट्सएप पर, कोई मेहनत कर रहा है इश्क मशूकी में, कोई मेहनत कर रहा है अपनी बुक्स पर, ये रिजल्ट जब आएगा ना पता चल जाएगा कि आपने किस किस में कितनी कितनी मेहनत की है। अगर आपने मोबाइल पे मेहनत की है तो मोबाइल वाले नंबर आएंगे, अगर आपने बुक वाली मेहनत की है तो बुक वाले नंबर आएंगे, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना आपने मेहनत करनी है सिर्फ एक दफा मेहनत करनी है, फिर बच्चों आपके एक दफा 500 नंबर आ गए ना तो पूरे मोहल्ले में आपकी वाह वाह हो जानी है। अपने लिए पढ़ें, अपने वालदैन के लिए पढ़ें, खुश रहें, अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम।